वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, आई एम प्रियांश दुबे एंड यू आर वॉचिंग द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। वो टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपको दिलाएगा लगभग 15 नंबर में। जैसे आपको मैं पहले भी जब MPSI की स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर रहा था उसमें आपको एक चीज मैंने बताई थी कि एक टॉपिक जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कवर करना पड़ेगा। वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको 100% श्योर शॉट मार्क्स दिला देगा। यानी कि बात कर रहा हूं मैं MPSI की रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए एक लेक्चर जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं पिछली बार के पेपर से डायरेक्टली उठाए हैं और यहाँ पे मैं उनको सॉल्यूशन करके बताऊंगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज करना पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे के सारे एग्जाम्स की अपडेट्स मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें एक और चीज जो आपको जानना जरूरी है कि अगर आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है तो अपने YouTube सेटिंग्स में जाके इसको 720 पिक्सल पर सेट कर लीजिए, बिकॉज वी आर स्ट्रीमिंग इन हाई डेफिनेशन क्वालिटी, तो हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि अगर आप 144 पिक्सल पर उसी चीज को देखोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको चीज मतलब क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है मिसिंग अल्फाबेट सीरीज से। मिसिंग अल्फाबेट सीरीज में जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें आपको एक सीरीज दी गई है ए बी फिर डैश फिर ए फिर बी फिर ए फिर डैश फिर बी फिर डैश, तो ओवरऑल आपको एक सीरीज दी गई है। अगर सीरीज में देखें तो आप टोटल आपको कितनी टर्म्स दिख रही है, 9 टर्म्स आपको टोटल दिखाई दे रही है ए बी डैश ए बी ए डैश बी ए, तो टोटल काउंट करो तो 9 टर्म्स दिखाई दे रही है। कभी भी जैसे 9 टर्म्स दिखाई दे रही है तो यहाँ पे सेट कितने कितने का बनेगा, यानी कि ग्रुप कितने कितने टर्म्स का बनेगा, 3-3 टर्म्स का ग्रुप बन जाएंगे 3। तो अगर 3-3 टर्म्स का अगर आप ग्रुप बना के देखो तो पहली 3 टर्म्स, दूसरी 3 टर्म्स और तीसरी 3 टर्म्स आपको दिख गई। ये केस तभी फॉलो करता है जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, और यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे 3-3 का आपने ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए बी, और यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक सी बात है पूरा का पूरा ग्रुप सीधा दिख गया था, तो इसको आपको इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दोगे। तो ए बी ए ए बी ए फिर आ जाएगा ए बी और ए, तो तीनों चीजें कंप्लीट हो गई, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स हमारे भरे गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया ए ए ए और फाइनली आंसर ए को हमने टिक कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 9 14 24 एंड 39, यानी कि सीरीज में आपको बताना है कि अगली 7 टर्म्स क्या होंगी या फिर अगला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें इसमें क्या होगा। उससे पहले एक और चीज कि एक बार आप सीरीज को ध्यान से देखें 9 14 14 के बाद आ गया आपका 24, 24 के बाद आया 39 और आपको बताना है कि लास्ट वाला पार्ट में क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है लास्ट पार्ट में क्या होगा। तो 9 और 14 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है 5 का, 14 और 24 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो कितना डिफरेंस दिख रहा है 10 का। कभी भी आपको सीरीज टाइप की चीजें दी गई हो तो एक चीज आपको एक चीज हमेशा ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार उनके डिफरेंसेस निकाल के देख लो डिफरेंस किसका कितना आ रहा है। तो एक बार आपने डिफरेंस देख लिया तो उसके बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 24 39 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो भी डिफरेंस आ रहा है 15 का। इस तरीके से 39 और जो अगली टर्म होगी तो यहाँ पे 5 हो गया 10 हो गया 15 हो गया, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो होगा 20 का। तो 20 का अगर आपको डिफरेंस दिखना है तो क्या होगा 39 प्लस 20 कितना हो जाएगा 59, यानी कि 59। तो यहाँ पे कितनी चीज आ जाएगी 59। बात करते हैं तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 59, बिकॉज लास्ट टर्म कितनी होगी 59। बात करते हैं अगली सीरीज की। इसमें अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, तो इसमें आपको जो चीजें दी गई हैं वो दिया गया, पहले दिया गया 1 फिर दिया गया 2 फिर दिया गया 3 फिर दिया गया 5 फिर दिया गया 8। आपको बताना कि फाइनली क्या टर्म आएगी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिफरेंसेस वाला पैटर्न है वो फॉलो नहीं करता, तो आपको इसमें और कोई ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। अगर इसमें हम ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो इसमें अगर आप देखो तो 1 और 2 इन दोनों का सम कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब इस तरीके से 3 और 5 इन दोनों का सम कितना आ रहा है 8। अब 5 और 8 यानी कि अगला जो सम आएगा वो कितना आएगा 13, यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 यानी कि 13। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको पीछे दिया जा रहा है डम डैम डॉम। तो डम डैम डॉम में आपको डम डैम डॉम का मीनिंग दिया गया है व्हाइट स्वीट सुगर। तो कभी भी आपको इस टाइप का दिया गया हो तो इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको ये इसका मतलब क्या दिया गया है, डम डैम डॉम का मतलब दिया गया है व्हाइट स्वीट सुगर। इस तरीके से बैम सॉम और डॉम का मतलब क्या दिया गया है शर्ट वॉस व्हाइट।
तो कभी भी आपको ऐसा दिया गया हो कोडिंग और डिकोडिंग देखना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज क्या देखना पड़ती है कि ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं डम डैम डॉम मींस व्हाइट स्वीट शुगर और बैम सैम डॉम मींस सेट वाज व्हाइट, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, यानी कि इन दोनों में हमें ढूंढना पड़ेगा कॉमन टर्म्स कौन सी है। तो डम डैम और डॉम, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी होगी, डॉम। तो डॉम एक ऐसी टर्म है जो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो हमने कॉमन टर्म निकाल ली डॉम। अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज एक टर्म कॉमन दिख रही है यानी कि एक ना एक वर्ड ऐसा डिकोडिंग में ऐसा होगा जो कॉमन होगा, तो व्हाइट स्वीट शुगर और शेड वॉज व्हाइट, इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक व्हाइट दिख रहा है और यहाँ पे भी एक व्हाइट दिख रहा है, यानी कि डिकोडिंग वाले पार्ट में भी हमें एक वर्ड दोनों चीजों में कॉमन दिखाई दे रहा है यानी कि जो दोनों में मौजूद है। तो डॉम सिंस कोडिंग पार्ट में मौजूद था और व्हाइट डिकोडिंग पार्ट में मौजूद था, तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉम का मतलब क्या हो गया, व्हाइट। तो हमने निकाल दिया डॉम का मतलब क्या हो गया, व्हाइट। तो डॉम मतलब हो गया व्हाइट। तो इस तरीके से आपने कर दी कोडिंग और डिकोडिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ गया सिक्वेंस से रिलेटेड। अगर आप सिक्वेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों पार्ट कवर्ड है, फिर अगले वाले सीक्वेंस में देखिए तो आप ये दोनों पार्ट कवर्ड है, फिर अगले वाले में देखिए तो ये दोनों पार्ट कवर्ड है, फिर अगले वाले में देखिए तो ये दोनों पार्ट कवर्ड है, यानी कि ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, फिर यानी कि अब जो अगला पार्ट होगा उसमें भी क्या होगा, ये दोनों पार्ट कवर्ड होंगे। अब ये दोनों पार्ट कहाँ ऑप्शन में किस पार्ट में आपको कवर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है उसमें आपको सिर्फ ये दोनों पार्ट कवर दिखाई दे रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया गया है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। अब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि भाषा को समझने में आपको दिक्कत होती है, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में उस चीज को समझने की कोशिश करिए, अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए भाषा को एक बार समझ के आप उसको सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। ये आइडियल तरीका होता है किसी भी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे कन्वर्जन किया जाता है। देखिए इफ सद्दू सेज, यानी कि यदि सद्दू कहता है कि यहां तक अभी आप सद्दू वाला पार्ट इग्नोर कर दो, इफ सद्दू सेज इतना पार्ट हमने कर दिया इग्नोर। अब हम देख रहे हैं कि क्या कहने वाला है कि कन्नूज फादर, यानी कि बात किसकी हो रही है, कन्नू के पापा की, तो कन्नू को हमने किसे डिनोट कर दिया, के से, और बात किसकी हो रही थी, कन्नू के पापा की, तो कन्नूज फादर, तो कन्नूज फादर को, कन्नूज फादर कौन है, रैम्बो। कन्नूज फादर रैम्बो इज द ओनली सन ऑफ, यानी कि एक कन्नू के पापा जो है वो रैम्बो, तो कन्नू के पापा कौन हो गए, रैम्बो। रैम्बो के ऊपर लगा दिया प्लस साइन क्योंकि रैम्बो पापा है ना, इसलिए प्लस साइन लगा दिया। जो प्लस रहते मेल्स रहते हैं उनको प्लस साइन से डिनोट कर देते हैं, जो फीमेल्स रहती हैं उनको माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। तो कन्नू के पापा रैम्बो इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ मिट्टू, यानी कि रैम्बो किसके लड़के हैं, मिट्टू के लड़के हैं। मिट्टू के लड़के कौन हो गए, रैम्बो। तो मिट्टू क्या हो गया, मेल हो गए, और रैम्बो के पापा हो गए मिट्टू। और मिट्टू और सद्दू में क्या रिलेशन है कि सद्दू जी के जो ससुर हैं वो हैं मिट्टू जी। तो सद्दू जी के ससुर यानी कि मतलब क्या हो गया कि मिट्टू जी की कोई एक लड़की भी होंगी, जिनको मान लीजिए हमने इस बॉक्स में हमने डाल दिया, तो ये मान लीजिए एक्स इनकी लड़की हो गई, उनके पति कौन है, सद्दू जी। ठीक है, तो सद्दू जी के ससुर ये हो गए सद्दू से, इफ सद्दू से कि भाई मेरे ससुर हैं, तो सद्दू के कौन हो गए, ससुर हो गए। तो बात करते हैं कि अगला आगे पूछा क्या जा रहा है, देन हाउ इज लप्पू हु इज द सिस्टर ऑफ कन्नू रिलेटेड टू मिट्टू। तो लप्पू जो कि कन्नू की सिस्टर है, कन्नू की सिस्टर कौन होंगे, लप्पू। अब सिंस भाई बहन वाला रिलेशन है इसलिए हमने डायरेक्ट डंडी से डिनोट कर दिया, अगर पति पत्नी वाला होता तो हम यहाँ पे ऐसे एरो लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे कन्नू की सिस्टर कौन होगी, लप्पू। और अब आपसे पूछा जा रहा है मिट्टू और लप्पू में क्या रिलेशन है, तो देखिए मिट्टू कन्नू के पापा कौन हो गए, रैम्बो। इस तरीके से लप्पू के पापा भी कौन हो गए, रैम्बो, और रैम्बो के पापा कौन हो गए, मिट्टू। तो मिट्टू क्या हो गए, लप्पू के क्या हुए, दादाजी हुए, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन। तो मिट्टू की जो पोती हुई वो कौन हुई, लप्पू। तो लप्पू और मिट्टू में क्या हो जाएगा, पोती का रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, सिंबल्स दिए गए हैं, सिंबल्स का कुछ कुछ मीनिंग दिया गया है। ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है। ए हैश बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी। ए एट द रेट बी यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इक्वल बी यानी कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए स्टार बी दैट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो कभी भी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इफ द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एच ग्रेटर देन ओ इक्वल टू एस स्टार टी इक्वल टू ई ग्रेटर देन एल,
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सही होगी। कभी भी आपको इस टाइप की चीज दी जाए तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको सिंबल्स को डिकोड कर लीजिए। कैसे सिंबल्स को डिकोड करते हैं देखिए, आइए देखते हैं। पहले लिख लिया हमने फर्स्ट नंबर के हम सिंबल को डिकोड करने वाले, इसलिए मैंने नंबर डाल दिया 1 आ गया। 1 के बाद हमने लगा दिया ग्रेटर देन का साइन। अब ग्रेटर देन के साइन का मतलब क्या है, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए और बी के बीच में आपस में रिलेशन दी गई है जिसमें ए एक हस्बैंड है। तो ए और बी आपका आ गया हस्बैंड वाला रिलेशन, और ए क्या हो गया हस्बैंड हो गया, तो ए के ऊपर लगा दिया हमने प्लस वाला साइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड सिंबल की। सेकेंड सिंबल में आपको क्या दिया गया, हैश, यानी कि सेकेंड वाला साइन। और हैश का मतलब क्या दिया गया, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए क्या हो गया बी का फादर हो गया, और बी और के ए और बी के बीच में फादर वाला रिलेशन है, और ए क्या है मेल है सिंस, क्योंकि फादर वाली बात हो रही है। थर्ड वाले सिंबल की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला सिंबल क्या दिया गया आपको, एट द रेट का सिंबल दिया गया है, और एट द रेट का आपको मतलब क्या दिया गया, इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए एक फीमेल हो गई और इसके इनका किसकी सिस्टर है, बी की। तो हमें बी का पता नहीं है, बी भाई है बहन है, लेकिन ए क्या हो गई सिस्टर हो गई, इसलिए हमने इनके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। फोर्थ की बात करते हैं, ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए क्या होगी बी की मम्मी होगी। तो ए बी की अगर मम्मी है तो ए के ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन, माफ कीजिएगा माइनस वाला साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा बी की मम्मी है इसलिए यहाँ पे आ गया बी। बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या दिया गया आपको, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का आपको मतलब क्या दिया गया है, स्टार का मतलब क्या दिया गया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी में क्या हो गया भाई वाला रिलेशन, तो ए क्या हो गया भाई, किसका भाई हो गया बी का। तो हमने पांचवे पांचों सिंबल को एक डिकोड फॉर्म में लिख दिया, और ये किसका सिंबल था, फोर्थ वाला इक्वल टू का मतलब था ना। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को भी हम ऐसे डिकोड करना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले एच ग्रेटर देन ओ, तो एच ग्रेटर देन ओ का मतलब क्या होता है, देखिए एच ग्रेटर देन ओ का मतलब क्या होता है, एच प्लस और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। तो एच क्या हो गया, एच प्लस और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, तो यहां पे आ गया ओ। ठीक है, बात करते हैं अगले सिंबल की। अगला सिंबल क्या दिया गया, ओ इज इक्वल टू एस, तो ओ इज इक्वल टू एस में आपको क्या दिया गया है, ओ इज इक्वल टू एस का मतलब होगा क्या होगा, इसका मतलब इज इक्वल टू यानी होता है कि ए बी की मम्मी है, यानी कि ओ किसी की मम्मी हो जाएंगी, एस की मम्मी हो जाएंगी ओ, तो ओ इज इक्वल टू एस का मतलब आ गया कि ओ इज द मदर ऑफ एस। बात करते हैं अगली चीज की, एच स्टार टी, तो स्टार का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी, यानी कि एस एक भाई है, यानी कि एस एक लड़का है, और एस किसका भाई है टी का। ठीक है, तो एस स्टार टी का मतलब हो गया एस स्टार एस टी का भाई है। फिर क्या दिया गया, टी इज इक्वल टू ई, तो टी इज इक्वल टू ई यानी कि टी क्या होगी मम्मी होगी, फिर से किसकी मम्मी होगी, ई की मम्मी होगी, तो टी इज इक्वल टू ई आ गया। फिर क्या दिया गया, ई ग्रेटर देन एल, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ वाला फिर से रिलेशन दिख गया हमें, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, ई ग्रेटर देन एल, तो ओवरऑल यहां पे इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन वाला साइन लग गया। अब हमें पता चल गया कि भाई यहां पे ई ग्रेटर देन एल, तो ये ई हस्बैंड होगा और एल वाइफ होगी। तो हमने पूरे का पूरा जो सिंबॉलिक रिलेशन था उसको हमने एक सिंबल फॉर्म में बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू है, तो देयर आर टू मेल्स इन द फैमिली। अगर आप मेल्स देखें तो किस किस के ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, एच के ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, एस के ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, और ए के ऊपर प्लस साइन दिख रहा है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज तो गलत होगी कि देयर आर थ्री मेल्स इन द फैमिली। अब बात कर रहे हैं कि एल इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो यानी कि ओ की पोती एल है, लेकिन अगर आप देखें तो ओ की पोती नहीं है, ओ के पोते की वाइफ है, यानी कि ओ के पोते की वाइफ है एल, यानी कि ओ की पोती तो नहीं है क्योंकि वो है उनसे उनकी शादी हुई है। तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ होता तो ये चीज सही भी हो सकती थी, लेकिन डॉटर ग्रांड डॉटर तो नहीं है। अब एच इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, यानी कि एच टी के ससुर है, तो एच टी के ससुर है, क्या ये चीज सही है। देखें एस प्लस और टी माइनस ये दोनों आपस में भाई बहन थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एस और टी आपस में पति पत्नी होते तो फिर भाई एच टी के ससुर हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई बहन थे, तो ये ऐसा सास ससुर वाला रिलेशन नहीं है। बात करते हैं अगली चीज की, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ एच, क्या ई ग्रैंडसन है एच के, तो भाई एच के लड़के कौन हो गए एस, और एस के लड़के कौन हो गए ई, तो आपस में क्या हो गया कि ये पिता हो गए और ये क्या हो गए दादाजी हो गए, तो यहाँ पे ग्रैंडसन वाला रिलेशन है क्या। हाँ जी बिल्कुल दिख गया कि हमें भाई फोर्थ वाला रिलेशन है 100% ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको सही मार्क कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिरर इमेज ऑफ विजुअल, यानी कि विजुअल की अगर आप मिरर इमेज देखें तो मिरर इमेज इसकी क्या होगी,
तो अगर आप मिरर इमेज देख रहे हैं विजुअल की, तो विजुअल की जो इसमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपको मिरर इमेज कौन सी दिखेगी विजुअल की, जो ये वाली मिरर इमेज है VISUAL, तो यही एक मिरर इमेज ऐसी है जो सही दिखाई दे रही है, बाकी किसी में तो ऑर्डर भी सही नहीं है, यानी कि जैसे L, L के बाद A, A के बाद U, U के बाद S, I, V, I, S, U, A, L, ये वाला ऑर्डर भी किसी में तीनों के तीनों ऑप्शन में ऑर्डर भी गलत दिया गया है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही फायर फॉल्स हो गए क्योंकि इनका ऑर्डर ही गलत दिया गया है, तो एकमात्र जो आपके पास सही ऑप्शन बचा वो क्या बचा, ए वाला। बात करते हैं अगली चीज की कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्द से किसी प्रकार कोई संबंध है, यदि तीसरे और चौथे शब्द का के साथ उसी प्रकार का संबंध होना चाहिए, तो डियर और चीप में क्या रिलेशन होता है, तो प्रिय और सस्ता, डियर और चीप, तो इसमें आपको बताना है कि भाई इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए डियर और चीप में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता, डियर और चीप काइंड ऑफ अगर आप देखें तो इनके बीच में जो रिलेशन है वैसा रिलेशन कहां दिखाई देगा, स्ट्रिंजेंट और लीनियंट में, लीनियंट में, लीनियंट यानी होता है उदार और स्ट्रिंजेंट यानी होता है सख्त, तो ठीक उसी टाइप का रिलेशन हो गया जो प्रिय और सस्ता में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके आपको ऐसे नंबर्स बनाना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। अब देखिए अगर ऐसे नंबर्स बनाने की बात हो तो नंबर्स बनाने के लिए तो हम कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हम 5 को फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 वाली बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर बनाना है कि जो कि 5 से डिविजिबल। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो यहां सी बात है कि यूनिट प्लेस पे उस नंबर के 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर जाके पूरे का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। तो एक इनमें से जो 1, 2, 3, 4 थे तो इनमें से एक 5 तो हमें फिक्स ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 5 आने ही चाहिए। बाकी बचे हुए जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 में आप इन चारों नंबर्स को अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 नंबर है, यहाँ पे सिंस एक नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बचे, यहाँ पे अरेंज करने के लिए फिर कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 1 ऑप्शन बचेगा। तो टोटल नंबर अगर हम अरेंजमेंट देखना है तो कितने वे में अरेंज कर सकते हो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 24 = 24, तो टोटल कितने वे में आप इस चीज को अरेंज कर सकते हो, 24। और ये चीज इसलिए हुई क्योंकि हमें एक 5 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे, क्योंकि अगर आप यूनिट प्लेस पे 5 नहीं रखोगे तो जो भी आप नंबर बनाओगे वो 5 से डिविजिबल कैसे होगा, क्योंकि 5 से दो ही टाइप के नंबर डिविजिबल होते हैं, या तो यूनिट प्लेस पे 5 हो या यूनिट प्लेस पे 0 हो, तो सिंस यहाँ पे 0 अवेलेबल नहीं है इसलिए हमें यूनिट प्लेस पे 5 को सेट करना ही पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, PQRST आर द डॉक्टर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल विद देयर क्यूबिकल्स इन अ रो, SNT आर नॉट साइड बाय साइड, तो हमें बात इन पांचों को अरेंज करना पड़ेगा क्यूबिकल में, तो 5 लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम 5 प्लेसेस बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, हमने 5 प्लेसेस बना दी। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, SNT आर नॉट साइड बाय साइड, यानी कि SOT साइड में नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो SOT का कोई साथ में ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये हमने ग्रुप बना के यहाँ पे कैंसिल मार्क लगा दिया। फिर क्या बोला जा रहा है, T इज एट द लेफ्ट एंड, तो T को हमने लेफ्ट एंड पे बिठा दिया, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि P's cabin इज नेक्स्ट टू द Q's cabin, यानी कि P और Q आपस में साथ में ही बैठेंगे, तो P और Q को हमें साथ में ही बिठाना पड़ेगा, तो P और Q को हमने ग्रुप करके लिख दिया कि भाई साथ साथ में बैठेंगे। R's cabin इज नेक्स्ट टू S cabin, तो R और S आपस में साथ साथ ही बैठेंगे, तो R और S का भी एक ग्रुप बना के लगा दिया। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि P इज टू द राइट ऑफ Q, यानी कि P जो है वो Q के राइट में है, यानी कि दाहिने साइड, तो अगर Q को यहाँ पे बिठा रहे हैं तो P यहाँ पे ही आएगा। और फिर आपसे एक और चीज पूछी जा रही है, बोली जा रही है, P इज राइट टू द Q ऑन T, यानी कि Q के राइट में भी है और T के राइट में भी है। और फिर आपसे एक और चीज पूछ रहे हैं कि S एंड Q के बीच में सिर्फ एक इंसान रहेगा, तो S एंड Q के बीच में सिर्फ एक और इंसान रहेगा, तो यहाँ पे हमने S को यहाँ पे बिठा दिया और Q को S के साथ कौन बचा था, R, तो R को हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, पूरे का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट इसलिए हो गया। और एक और चीज जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने S और R को यहाँ पे क्यों नहीं बिठा लिया, अगर हम S और R को यहाँ पे बिठा देते तो फिर हमें T और S को साथ में बिठाना पड़ता, तो T और S को हम साथ में बिठा देते तो अरेंजमेंट गलत हो जाता, तो इसलिए जो आपको फाइनल अरेंजमेंट क्या हो गया, TQPSR, अगर आप इसमें देखें तो S की पोजीशन क्या हो गई, तो जस्ट अ सेकंड, इसमें थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ी है, एक सेकंड फिर से अरेंजमेंट देख लेते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर का कैबिन एस के बगल में है और क्या बोल रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में आंसर दिया है एक्सट्रीमली राइट, तो एक बार फिर से आंसर को ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं। एस एंड टी आर नॉट साइड बाय साइड, टी इज एट द लेफ्ट एंड, पीस कैबिन इज नेक्स्ट टू द क्यूज, ठीक है, आर कैबिन इज नेक्स्ट टू द एस,
आर और एस का केबिन, पी इज टू द राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के राइट में है, क्यू एंड टी, ठीक है, देयर इज एटलीस्ट 1% एस एंड क्यू, अगर क्यू और एस के बीच में एटलीस्ट 1% है, लेकिन हो सकता है कि एक से ज्यादा पर्सन भी हो, तो आर और एस का इस टाइप से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके, एक बार आप फिर से देख लो, अगर इसमें कोई दिक्कत दिख रही है तो, पी क्यू आर एस टी एक अस्पताल में काम कर रहे हैं डॉक्टर है, जिनके क्यूबिकल एक पंक्ति में, एस ओ टी साथ में नहीं, हमने एस ओ टी को साथ में नहीं बिठा ला, टी बाय सिरे पर है, टी एक लेफ्ट हैंड पे है, पी का कैबिन क्यू के बगल में है, ठीक है, आर का कैबिन एस के बगल में है, ओके, पी क्यू और टी के दाई तरफ है, क्यू और टी के दाई तरफ है पी, ठीक है, एस और क्यू के बीच में कम से कम एक व्यक्ति है, तो यहां पे आ गया आपका एकदम एक व्यक्ति, इस टाइप से आपको फाइनल आंसर पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपको बताना है कि इसमें से सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू द गिवन स्टेटमेंट, इफ द क्रिएचर इज वर्ड इट हैज फीडर्स, अगर एक क्रिएचर वर्ड है तो उसके फीडर्स होंगे, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सम वर्ड्स हैव फीडर्स, ऑल फीडर वर्ड्स क्रिएचर्स आर बर्ड्स, सम वर्ड्स डू नॉट हैव फीडर्स, नो फीडर क्रिएचर्स आर बर्ड, तो इसमें अगर आप देखें तो फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, देखिए अगर इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, नो फीडर क्रिएचर्स आर बर्ड ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, ऑल फीडर क्रिएचर्स आर बर्ड ऐसा भी नहीं दिया गया, आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर वर्ड है तो वर्ड के फीडर होंगे, सम वर्ड्स डू नॉट हैव फीडर्स ऐसी बात भी श्योर शॉट नहीं कही गई है, सिर्फ आपको एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ चिड़ियों के पंख होते हैं, तो ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें जो कि ये हो गया, इफ यू नो द आंसर देन डोंट गैस, देन यू डोंट गैस, अगर आपको आंसर पता है तो आप उसको गैस नहीं करते, तो आपसे आपको बताना है कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, इफ यू डोंट नो द आंसर देन यू गैस, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिकल इक्विवेलेंट इसका नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट बोला जा रहा है, यू डोंट नो द आंसर और यू डोंट गैस, आप उत्तर नहीं जानते और आप अनुमान या फिर आप अनुमान नहीं लगाते, यू नो द आंसर एंड यू गैस, ये भी इसका जस्ट अपोजिट हो गया, इफ यू डोंट गैस देन यू नो द आंसर, ये भी बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट हो गया, तो जो एक सिंपल सा सिंगल मतलब एक जो स्टेटमेंट जिसके सही होने के चांसेस लग रहे हैं, यानी कि अगर तीन गलत स्टेटमेंट्स को हटा दिया जाए तो एक जो सही स्टेटमेंट जो बच रहा है वो सिर्फ यही बच गया कि आप उत्तर नहीं जानते हैं या आप अनुमान नहीं लगाते हैं, इफ यू नो द आंसर देन यू डोंट गैस, तो इसका अगर एकमात्र कंक्लूजन लॉजिकल इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम सिर्फ यही निकालेंगे क्योंकि बाकी जो तीन है वो जस्ट इसके अपोजिट अपोजिट टाइप दिख रहे हैं। बात करते हैं एक आज के फाइनल क्वेश्चन की, और फाइनल क्वेश्चन आ रहा है आपका बेसिकली सिलोजिज्म से रिलेटेड, और सिलोजिज्म मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो उसमें सिलोजिज्म में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और मैन आर बकेट, तो सारे के सारे जो मैन है वो बकेट है, तो मैन बना दिया और हमने सारे के सारे मैन को किस चीज से कवर कर दिया, बकेट से, तो ऑल मैन आर बकेट, फिर आपसे बोला जा रहा है सम बकेट आर कॉस्मोनॉट, तो उनमें से कुछ बकेट कैसी होगी, कॉस्मोनॉट होगी, तो यहाँ पे कुछ बकेट्स को हमने सी से डिनोट कर दिया, ऑल कॉस्मोनॉट आर मैरिड, तो सारे के सारे जो कॉस्मोनॉट हो गए वो क्या हो गए, मैरिड हो गए, तो यहाँ पे सारे के सारे कॉस्मोनॉट क्या हो गए, मैरिड, तो एम ए से डिनोट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंक्लूजन में से कौन सा सही है, सम बकेट्स आर मैरिड, तो क्या कुछ बकेट्स मैरिड है, तो ये देखिए बिल्कुल चीज हमें आपको सही दिखाई दे रही है कि इनमें से कुछ बकेट का जो कुछ पार्ट है वो मैरिड दिखाई दे रहा है, तो कुछ बकेट मैरिड होगी, ठीक है, ऑल मैन माइट नॉट बी मैरिड, यानी कि सारे के सारे मैन ऐसा हो सकता है, सारे के सारे मैन शादीशुदा नहीं हो सकते, यानी कि आपसे 100% श्योरिटी के साथ पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि सारे के सारे मैन शादीशुदा नहीं हो सकते, तो अगर आप देखें तो ऑप्शन में हमें कंक्लूजन में देखें तो ये कंक्लूजन हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि सभी आदमी शादीशुदा नहीं हो सकते, तो बात करते हैं तो ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या हो गया, आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हो गए, और अगर आप बात करें तो आपको ऑप्शन में जो आपको टिक करना पड़ेगा वो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोस। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें आपको रीजनिंग के मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी, एक क्वेश्चन जो है जिसमें आपको हो सकता है कुछ डाउट आ रहा हो, तो अगर आपको कोई डाउट और आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी स्टे ट्यून्ड, टेक केयर और हैव अ नाइस डे।